क्या आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे सिर्फ 1500 में इंडिया जाना चाहते हैं? पाकिस्तान से इस पासपोर्ट में इंडिया का वीजा अप्लाई करना ऐसे ही है जैसे कि अमेरिका, लंदन और जापान का वीजा हासिल करना है, इतना ही मुश्किल है पाकिस्तानियों के लिए इंडिया का वीजा। लेकिन मैं आपको ऐसे चार तरीके बताने वाला हूँ जिसमें आप सिर्फ 1500 में अपनी किस्मत आजमा कर इंडिया का जो वीजा है वो हासिल करके इंडिया जा सकते हैं। तो मैंने जो अपना वीजा है वो अप्लाई कर दिया, दुआ कीजिएगा कि मेरा वीजा लग जाए, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं इंडिया जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर, उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। तो मेरी तरह काफ़ी बहन भाइयों की ख्वाहिश होती है और उनकी विश होती है कि वो पाकिस्तान से किसी तरह इंडिया जाएं विजिट करने, घूमने फिरने। लेकिन इस पाकिस्तानी पासपोर्ट पे इंडिया का वीज़ा हासिल करना ऐसी है जैसे कि आपने पाकिस्तान से बैठ के अमेरिका का और लंदन का वीज़ा अप्लाई करना है और जापान का वीज़ा अप्लाई करना, और आपको पता है वो आप लोगों को पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ना मिलने के बराबर है, बहुत मुश्किल से मिलता है। इंडिया का वीज़ा भी पाकिस्तानियों के लिए ऐसे ही है। तो इंडिया का जो वीज़ा होता है उसकी 3 से 4 टाइप होती हैं, एक होता है टूरिस्ट वीज़ा, एक होता है बिज़नेस वीज़ा, एक होता है फैमिली वीज़ा। तो ये तीनों वीज़ा आपके लिए हासिल करना बहुत मुश्किल है। तो चौथा वीज़ा एक आ जाता है पिलग्रम वीज़ा, यानी कि मजहबी वीज़ा, ज्यारती वीज़ा। जैसे कि आपने देखा होगा हिंदू होते हैं, सिख होते हैं, बाबा गुरु नानक के मेले पर पाकिस्तान आते हैं और हिंदू भी यहाँ पे आते हैं अपने डिफरेंट त्यौहार के लिए, जो मंदिर वगैरह हैं उनके उसके लिए आते हैं, और मोस्टली सिख जो बाबा गुरु नानक का जन्मदिन है उसको मनाने के लिए, और यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में जो है इंडिया से यहाँ पे उनके जत्थे हैं वो आते हैं। तो ऐसे ही पाकिस्तानियों के लिए भी कुछ मज़ारात हैं जिनके उर्स शरीफ होते हैं इंडिया में। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं मेरे पास पड़ी हुई हैं और फॉर्म जो है वो मैं सारा साथ अटैच कर दूंगा, और PDF फाइल में भी किसी को फॉर्म चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों से व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिएगा। पहला उर्स है हज़रत मुजद्दद अलफ सानी सरहंद शरीफ में, और ये होता है जी 28 से 26 सफ़र में होता है इसकी, क्योंकि हर साल डेट चेंज होती है तो मैं आपको सफ़र की जो डेट है उसके मुताबिक बता रहा हूँ। तो इसकी जो दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख थी वो 12 फरवरी से 28 फरवरी 2023, यानी अब आप अगर यहाँ जाना चाहते हैं तो 2024 में अप्लाई करेंगे। फिर दूसरा मज़ार आ जाता है हज़रत ख्वाजा अलाउद्दीन क्लेयर शरीफ, जिनका होता है 13 रबी अव्वल को कमरी महीने में, कम जो 13 रबी अव्वल होता है उसमें होता है इनका जुलूस और उर्स होता है। और तीसरा है जी हज़रत हाफिज़ अब्दुल्ला शाह, इनका होता है 14 रबी उसानी। फिर पांचवा आ गया, चौथा आ गया हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, इनका 16 रबी उसानी का होता है। पांचवा आ गया हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका 6 रजब को होता है, ठीक है। फिर हज़रत अमीर खुसरो, जिनका दिल्ली में मज़ार है, इनका होता है 20 से 16 शवाल को, ठीक है। और ये 10 से 12 दिन के लिए आपको इसका वीज़ा मिलता है और सिर्फ 1000 रुपया इसकी फ़ीस है जो आपने अप्लाई करना है। बैंक से अप्लाई करेंगे तो 1300-1400 लेंगे, 300 ऊपर लेंगे, और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे साथ लगे हैं वो भी मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। और उर्स का दुरानिया जो है वो है जी 11 से 18 सितंबर 2023, ये सारे उर्स गुजर चुके हैं, अभी 2 रह गए हैं जिसकी जिसमें मैंने भी अप्लाई किया हुआ है, वो था 13 से 23 जनवरी और वो था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जुमेर शरीफ में जो मज़ार है, मैंने अप्लाई किया। अल्लाह करे मेरा नाम आ जाए, आ गया तो इंडिया जाके भी ब्लॉग बनाऊंगा, अगर ना आया तो वो मेरी किस्मत। और एक है जी दिल्ली में, जिसका उसका दुरानिया 23 अप्रैल 2024 में है और इसकी जो आखिरी तारीख है अप्लाई करने की वो है 10 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक, यानी 10 सितंबर अक्टूबर नवंबर के महीने में अगर आप इंडिया के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हज़रत अमीर खुसरो के मज़ार के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए जो सारी डिटेल्स हैं www.hajinfo.org से आप, और mora.government.pk या रिलीजियस अफेयर की वेबसाइट से भी डाउनलोड करते हैं, मैं सारे फॉर्म अटैच कर दूंगा। और अप्लाई करें, 4-5 इनकी शर्तें, ये फॉर्म है इस तरह का, अपनी डिटेल्स होती हैं उसमें, आपने मेडिकल करवाना होता है डॉक्टर से और थोड़ी सी तस्दीक करवानी होती है, और इस पर लिखा हुआ जी दरख्वास्त की जो आखिरी तारीख है उससे, जो दरख्वास्त है आखिरी तारीख से पहले पहले पहुंच जानी, वरना आपकी जो दरख्वास्त है उसको शुमार नहीं किया जाएगा। और कुरान दाजी से तकरीबन 1 माह बाद सिर्फ कामयाब ज़ायरीन को बज़रिया ख़त इतला दी जाती है, उनसे ज़रूरी अखराजात और सफरी कागजात तलब किए जाते हैं। जो उर्स की डेट होगी उससे महीना पहले इतला दी जाएगी कि आपका नाम आ गया, क्योंकि आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के बड़े आपस में कुछ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो जिसका भी नाम निकलता है कुरान दाजी, ये कुरान दाजी होती है जितने भी लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, तो कुरान दाजी में फिर उनको महीना पहले बताया जाता है। तो मेरा भी अगर नाम आया तो मुझे अभी तक नहीं पता चलेगा, हमने जाना है 13 से 23 जनवरी को, तो मुझे जो है दिसंबर में पता चलेगा अगर मेरा वीज़ा लग गया। मेरी बड़ी ख्वाहिश है इस पाकिस्तानी पासपोर्ट पे इंडिया जाऊँ, घूमूं फिरूं, वहाँ पे ज्यारतें करूँ, और अगर वीज़ा लग गया ठीक है, वरना अगले मज़ार के लिए अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 6 होते हैं एक साल में, तो फिर अप्लाई कर लेंगे, किस्मत भी हुआ तो वीज़ा लग जाएगा, बार बार ट्राई करते रहेंगे, इंशाल्लाह कभी ना कभी तो लगेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चैनल पे नए हैं और मेरे पेज को भी फॉलो कर लें, फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी जो मालूमती
और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस होती हैं वो आप लोगों तक पहुँचते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस तरह आपका भाई मोटिवेट होता रहेगा और वीडियोस बनाता रहेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मेरे लिए दुआ करेंगे मेरा इंडिया का वीज़ा लग जाए और मैं इंडिया जाके विज़िट करूँ, वहाँ पे व्लॉग्स बना सकूँ। अल्लाह हाफिज़।